ऑक्सीटोल एक्सआर 450 mg टेबलेट का रिव्यू करेंगे इस वीडियो में और जानेंगे ये कौन कौन सी प्रॉब्लम में डॉक्टर देते हैं, किस तरीके से ये काम करती है, इसकी डोज क्या होती है, साइड इफेक्ट क्या है, सावधानी क्या है, संपूर्ण रिव्यू करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। ऑक्सीटोल एक्सआर 450 mg टेबलेट ये सनफार्मा कंपनी का प्रोडक्ट है। एक्सआर का मतलब होता है एक्सटेंड रिलीज, मतलब ये धीरे धीरे बॉडी के अंदर जाकर रिलीज अपने आप को करती है। कहने का मतलब है जो नॉर्मल टेबलेट होती है उनसे कई गुनाई अच्छी होती है, क्योंकि इसका एक टेबलेट का असर काफ़ी घंटों तक, करीब करीब 6-7 घंटे तक इसका असर बॉडी के अंदर रहता है। तो तुरंत ये घुलनशील वाली टेबलेट नहीं है, धीरे धीरे अपने आप को रिलीज करती रहती है बॉडी के हिसाब से। तो एक्सआर का मतलब ये होता है। और 450 mg में इसके अंदर जो सोल्ट डाला गया वो है ऑक्सी कार्बाजी पिन। अब ये ऑक्सी कार्बाजी पिन कहाँ पर काम आता है, देखिए ये डॉक्टर मिर्गी की प्रॉब्लम में प्रिस्क्राइब करते हैं। डॉक्टर की सलाह के बाद ली जाती है, सेल्फ यूज इसका मत कीजिएगा। एपिलिप्सी की प्रॉब्लम जो होती है, मिर्गी दौड़ जाते हैं वहाँ पर, उनसे प्रिवेंट करने के लिए, उनको रोकने के लिए, बचाने के लिए ये डॉक्टर देते हैं। अगर कोई बच्चा है, एपिलिप्सी की दिक्कत है, मिर्गी आ रही है, दौरे आ रहे हैं, वहाँ पर भी इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है, लेकिन उसकी मिलीग्राम कम होती है, 150 mg से स्टार्ट होती है। बॉडी वेट के हिसाब से ये डॉक्टर दे सकते हैं, सुबह शाम भी कर सकते हैं, दिन में एक भी कर सकते हैं। 450 mg टेबलेट ये एडल्ट पर्सन के लिए दी जाती है दोस्तों। ये क्या करती है, जो एबनॉर्मल एक्टिविटी चल रही होती है ब्रेन के अंदर, जो मसल्स के अंदर बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है, उनकी वजह से दोस्तों मिर्गी आती है। टेंशन बहुत ज़्यादा ले रखी है, केमिकल मैसेंजर में कुछ लोचा हो गया है, वहाँ पर ये जाकर तुरंत काम करती है, डायरेक्ट ब्रेन के अंदर जाकर वहाँ पर ये आराम पहुँचाती है मसल्स को। तो इस तरीके से ये मिर्गी का इलाज में काम आती है, इस तरीके से काम करती है। इसकी डोज की बात करें, एक ले सकते हैं, सुबह शाम भी ले सकते हैं, डॉक्टर इसे बंद भी कर सकते हैं, ठीक होने के बाद आदत नहीं पड़ती, बिल्कुल सेफ है। इसके साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि गला सूख सकता है लेने के बाद, लूज मोशन लग सकते हैं, वोमिटिंग हो सकती है, लाइट सर्दत रह सकता है, ये इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। हाथ पाँव में कंपन भी हो सकता है। इसकी सावधानी यह है, प्रेगनेंसी में, ब्रेस्ट फीडिंग में कोई महिला है जो लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा, बच्चे के लिए और उस महिला के लिए नुकसानदायक हो सकती है। एल्कोहल के साथ इसका यूज मत कीजिएगा, डोज भूल गए हो तो अगले दिन आपको एक साथ डबल डोज नहीं लेनी है। अगर आपको ये सूट नहीं कर रही तो डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा, डॉक्टर की एडवाइस के बिना इसका यूज मत कीजिएगा दोस्तों। ये 150 mg में भी आती है, 300 mg भी आती है और 600 mg तक ये आती है। आपके एरिया में ना मिले तो ऑक्सी कार्बाजी पिन में दूसरी कंपनी की आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो संपूर्ण रिव्यू था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा और कौन सी मेडिसिन भी आपको वीडियो देखना है। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत